अगर आप भी अपना छोटा प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको अभी तक जो है स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना नहीं आता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हैं, अपने छोटे प्रॉफिट को बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब मार्केट जो है 250-300 का मूव देता है, तब आप 20 या 30 पॉइंट में निकल जाते हैं, और जब मार्केट 20 या 30 पॉइंट के बाद रिवर्सल करता है, तब आप जो है होल्ड कर लेते हैं और आपका एसएल चले जाता है। तो यही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इंडेक्स में दिखा रहा हूँ, उसके बाद में जो है आपको ऑप्शन में दिखाऊंगा, क्योंकि पैसे तो आप ऑप्शन से ले रहे हो, मतलब ट्रेड तो आप ऑप्शन में करते हो, इंडेक्स में तो आप बस चार्ट दिखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इंडेक्स में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको ऑप्शन के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ इस पर्टिकुलर कैंडल में, जैसे कि आपने एंट्री की इस पर्टिकुलर कैंडल में आपने एंट्री की, और जो आपका जो एसएल है वो कुछ इस कैंडल का यहाँ पर है, यहाँ पर जो है आपका एसएल है, और जो एंट्री पॉइंट है आपका, ये आपका एंट्री पॉइंट है। तो जो दूसरी कैंडल है, जो अभी यहाँ पर जो ये वाली कैंडल है जो क्लोज हुई है, तो जो इसका लो है वो आपका हो जाएगा ट्रेलिंग एसएल। जहाँ पर आप एंट्री करोगे उसके बाद जो कैंडल बनेगी उसका जो लो होगा वो आपका हो जाएगा ट्रेलिंग एसएल। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी, अगर वो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करती, तो जो दूसरी कैंडल बनेगी उसका लो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये कैंडल इसके बाद जो है उसके ऊपर क्लोज हुई, और जिसका लो है इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब आपकी ट्रेलिंग एसएल को हिट नहीं किया, तो ये इसका लो जो ये है, ये आपका जो सेकंड ट्रेलिंग एसएल है वो हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो बढ़ता जाएगा जब तक आपका ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हो जाता। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये कैंडल क्लोज हुई तो ये आपका ट्रेलिंग एसएल हो गया। इस कैंडल ने भी ट्रेलिंग एसएल को हिट किया है, लेकिन जो ट्रेलिंग एसएल है उसके नीचे ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब जाके आप अपना जो पोजिशन है उसको एग्जिट कर सकते हैं। इस कैंडल ने भी इसको जो है ब्रेक नहीं किया है, फिर यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है ट्रेलिंग एसएल हो गया। उसके बाद इस कैंडल ने भी इसको ब्रेक नहीं किया, उसके बाद हमारा हो गया ये ट्रेलिंग एसएल। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से हम यहाँ तक का पॉइंट पूरे पॉइंट जो है यहाँ तक का जो है ट्रेड कैप्चर कर पाए। तो अगर आपको ये ट्रेलिंग एसएल नहीं आता होता तो आप इस जगह पे ही कुछ जो ट्रेड है वो एग्जिट कर देते कुछ इस जगह पे, जैसे ही आपको रेड कैंडल दिखती आप इस ट्रेड को एग्जिट कर देते, और इतना बड़ा जो प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर जो है नहीं कर पाते। जैसे कि आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर कितने पॉइंट जो है कैप्चर कर पाते, जैसे कि यहाँ पर आपने एंट्री करी होती और इस तरह से कुछ इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आपने जो है यहाँ तक का टारगेट जो है लिया होता, और आप इसमें 370 के लगभग पॉइंट कैप्चर कर सकते थे इंडेक्स के बैंक निफ्टी में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन के चार्ट पर। तो ऑप्शन के चार्ट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ इस पर्टिकुलर कैंडल में एंट्री की, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जैसे इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री की, जो आपका एसएल है वो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका कुछ यहाँ पर जो है एसएल जो है आपका यहाँ पर है। देन एसएल जब आपका हिट नहीं होता है, जैसे दूसरी कैंडल क्लोज होती है, तो आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो उस कैंडल के लो पे चले जाएगा। जैसे कि ये कैंडल यहाँ पर जो है क्लोज हुई, तो ये जो इसका लो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ट्रेलिंग एसएल हमारा ये हो जाएगा। फिर जो हमारी दूसरी कैंडल है वो लो के नीचे सस्टेन तो करेगी, लेकिन जब तक क्लोज ना हो तब तक हम अपने जो ट्रेलिंग एसएल को वो हिट नहीं मानेंगे। जब तक जैसे ही कैंडल अगर ट्रेलिंग एसएल के नीचे क्लोज हो जाती है, तब हम क्या मानेंगे कि हमारा जो है ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है, और अब हमें जो है अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है ट्रेलिंग एसएल हो जाता है, फिर यहाँ पर भी हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, और आप कहाँ तक इसको लेके चले गए, पूरे यहाँ तक आपने इसको जो है होल्ड कर लिया ट्रेलिंग एसएल स्ट्रेटजी की मदद से। तो अब मैं आपको दिखाऊं कि आप ऑप्शन में कितने पॉइंट्स में कैप्चर कर पाते। अगर मैं यहाँ पर जो इसका मेजरमेंट लूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैनल पे आपने एंट्री की, तो आप देख सकते हैं जब इस स्ट्रेटजी की मदद से आप कितना लंबा जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। 144 पॉइंट जो है आपने ऑप्शन की इसमें कमाया है। यहाँ पर जो है एंट्री की आपने 240-50 के लगभग, और जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो पहुँचा 390 के आसपास। इतना पॉइंट आप इसमें जो है आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वाली कैंडल जो हमारी है, जो हमारी जैसे कि हमने यहाँ पर जो है एंट्री की, और जो हमारी ये वाली कैंडल है जिसकी जो रेड कैंडल बनी होगी, जिस टाइम ये बन रही होगी उस टाइम यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी, तो जब ये इसके नीचे आई होगी यहाँ तक, तो कुछ लोगों ने यहीं पर एग्जिट कर लिया होगा। आपको सबसे पहले तो कैंडल को क्लोज होने देना है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक आपको कुछ डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, अगर कैंडल ज़्यादा बड़ी बन रही है
आपके एसएल के भी नीचे जा रही है तब आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। अगर उस टाइम अगर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे तो आप काफ़ी बड़ा लॉस ले सकते हैं। इसको भी आपको अपने ध्यान में रखना है। और जब कोई बड़ी कैंडल बनती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, इतनी बड़ी अगर कोई कैंडल बने और आपको एसएल को हिट करते हुए नीचे जा रही हो तो आप वहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पर आप ज़्यादा रिस्क ना लें। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से जो है हमारी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करती है। आपको क्या करना है, बस जिस कैंडल पे आप एंट्री करोगे उसकी दूसरी कैंडल जो क्लोज होगी उसके लो को आपको अपना ट्रेडिंग एसएल बना देना है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल उसके लो के ऊपर क्लोज होगी तो वो आपका ट्रेडिंग एसएल हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको अपना ट्रेडिंग एसएल जो है बढ़ाते जाना है। जब तक आपका ट्रेडिंग एसएल, जैसे ही आपका ट्रेडिंग एसएल के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तो आपको अपनी पोजीशन वहीं पर एग्जिट कर देनी है। और अगर आप देख रहे हैं कि हमारे जो ट्रेलिंग एसएल उससे भी नीचे कोई बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो आप वहाँ पर भी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी न्यूज़ की वजह से या फिर कुछ मतलब कुछ किसी भी वजह से हो सकता है कि कभी मार्केट क्या होता है, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल दे देता है और आपको आपके स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा आपको जो है लॉस करवा देता है। इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ इसी तरह से जो है हमारी ये स्ट्रेटजी थी, इस पर आपको काफ़ी बैक टेस्ट करना पड़ेगा। और जब आप इसमें परफेक्ट बन जाओगे, धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप जो है इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और जो आपका जब आप छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर लेते थे वो आप काफ़ी बड़ा प्रॉफिट जो है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की स्ट्रेटजी। और अगर आप इस चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।